रेस्टोरेंट को आइए सेमी किचन में आपका स्वागत है। आज हम श्रीखंड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम दूध लेके फुल फैट मिल्क लेके इसका दही जमाया। अब उससे हम शक्कर जमाएंगे। हमने शक्कर ली है पिसी हुई, हमने दूध थोड़ा सा लिया है, इसमें हमने केसर के धागे डाले हैं, 8-10 दाने हमने पिस्ते के लिए, 10-12 दाने हमने बादाम के लिए। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और एक सूती मलमल का कपड़ा रखेंगे। इसके अंदर हम सब दही ऐसे डाल देंगे। ये एक डेजर्ट है, ये हर जगह खाया जाता है, हर कंट्री में, हर सिटी, हर गांव शहर में खाया जाता है। सारा दही हमने इस तरह कर लिया। अब इसको पोटली बना के इसका पानी निथा देंगे। देखिए हमने इस तरह पोटली बना ली और ये पानी इस तरह नीचे निथरता जाएगा। इसको हम इसके ऊपर कुछ वजन भी रख सकते हैं और इसको लटका भी सकते हैं। मैं इसको लटका दूंगी। देखिए चक्का हमारा रेडी है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके अंदर इलायची और शक्कर डाल देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और शुगर पाउडर 4 टीस्पून हम शुगर पाउडर डालेंगे। केसर भी हम डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे। हमने चक्के जमाने के लिए पोटली जो हमने निथार के रखी थी, आप चाहें जिस पे भी आप निथार सकते हैं। मैंने नल के ऊपर पोटली को बांध दिया था 2.5 से 3 घंटे के अंदर। देखिए हमने फेंट लिया, कलर भी अच्छा है। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए रखेंगे। इसको और अभी थोड़ा एक मिनट के लिए और फेंटेंगे। हमने इसमें शुगर पाउडर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए फेंटा था, अभी हमने ड्राई फ्रूट डाल के 1 मिनट के लिए फेंटा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा श्रीखंड तैयार है। आप भी मेहमान आए तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम देखें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि हमारा श्रीखंड तैयार है। अगर आपको हमारा पसंद आए श्रीखंड तो कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मेहमान आए तो खाएं, बना के, बहुत इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।